सील परिणीति में आपने देखा कि किस तरीके से परिणीत की जो दुआ थी वो काम कर गई। जी हाँ, नीति की जान वापस लौट आई। हमने आपको पहले ही बताया था कि यही होने वाला है। अब आपको हम ये बताते हैं कि यहाँ पर अब जब नीति थोड़ी ठीक हो जाती है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, तो वहीं राजीव जो है वो घर वापस आता है। यहाँ पीछे पीछे परिणीत भी घर वापस आएगी, जहाँ वो राजीव से पूछेगी कि आखिर वो था कहाँ। राजीव कहता है कि अरे मैं बॉस के साथ था, एक बहुत ही मुश्किल घड़ी में फंस गया था, लेकिन अब जो है सब कुछ ठीक हो गया भगवान की दया से। यहाँ पर बोलती है परिणीत कि तुम हमेशा बॉस के साथ फंस जाते हो, लेकिन कभी तुम मुझे मिलाते नहीं हो, कभी डिनर पर लेकर नहीं जाते हो। यहां पर ये सुनकर जो परिणीत के तेवर बदले हुए वो देखकर शॉक्ड है राजीव। राजीव कहता है कि तुम मुझ पर शक कर रही हो। यहां परिणीत कहती है कि हां मैं तुम पर शक कर रही हूं, इसमें दिक्कत ही क्या है। अब आपको बताते चले कि यहां पर राजीव जो है वो थोड़ा डर जाएगा परिणीत का ये बदला हुआ रूप देखकर, लेकिन फिर भी वो सच नहीं कहेगा। आपको बताते चले कि यहां पर अब परिणीत किसी भी तरीके से राजीव के साथ तो रहेगी, लेकिन वो नीति को कोई भी सच नहीं बताएगी। अब आपको ये जानकारी दे दे कि यहाँ पर अब बहुत जल्द पूरे घर वालों के सामने जहाँ राजीव का पर्दाफाश करेगी परिणीत, तो वहीं राजीव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। देखना ये है कि क्या नीति को ये सब मालूम चल पाएगा। वेल, जो भी होगा उसकी अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही।